हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत सभी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें निकल कर आ रही है। आइए जान लेते हैं सभी बड़ी खबरों को और सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, ईद पर ताजमहल में 3 घंटे रहेगा निःशुल्क प्रवेश। ईद पर ताजमहल में 3 घंटे तक निःशुल्क प्रवेश रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक्ट के तहत यह आदेश जारी किया गया। दरअसल ईद पर ताजमहल स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और इसीलिए ईद के दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क प्रवेश किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की जीत पर सानिया मिर्जा ने दी बधाई। यूजर बोले, नागरिकता खत्म होनी चाहिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर अपनी जीत का खाता खोल दिया है और इससे पहले पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इस जीत की काफी चर्चा हो रही है। भारत के कई खिलाड़ियों ने इस जीत पर पाकिस्तान की तारीफ की है और कई फैंस भी जीत का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी पाकिस्तानी टीम को इस जीत की बधाई दी, लेकिन उनके बधाई देने के बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल सानिया मिर्जा अक्सर पाकिस्तान से जुड़े मामलों में चर्चा में आ जाती है और लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, पुलिस के हत्थे चढ़ा रंगीला बाबा। बलात्कार के आरोप में बोरीवली पुलिस ने माता की चौकी और भजन संध्या के नाम पर लोगों को बहलाने फुसलाने और फिर उनके साथ बलात्कार करने का आरोप में बोरीवली पुलिस ने रंगीला बाबा और ईश्वर नारायण अडवाणी को गिरफ्तार किया है। बाबा पर आरोप है कि उन्होंने एक 19 साल के लड़की के साथ रेप किया है। बाबा की दुबई में काफी संपत्ति बताई जाती है और वो वर्सोवा के पॉश इलाके में रहता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, साउथ अफ्रीका को लगा सबसे बड़ा झटका। ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2019 से हुआ बाहर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के पहले 2 मुकाबले हार चुकी साउथ अफ्रीका की टीम को इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही सबसे बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गए हैं। डेल स्टेन अपने कंधे की चोट से उबर नहीं पाए हैं और इस वजह से उन्हें वर्ल्ड कप 2019 से बाहर होना पड़ा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बजट बनाने की हो रही है तैयारी। वित्त मंत्रालय हुआ किले में तब्दील। मोदी सरकार 2 ने अपना पहला बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय में 5 जुलाई को बजट की प्रस्तुति होगी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री विजिटर्स और मीडिया की सीमा से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहां 2019-20 के वित्त वर्ष के लिए बजट बनाने की तैयारी हो रही है। देश में चुनाव से पहले लिमिटेड पीरियड के लिए सरकारी खर्च को ऑथराइज करने के लिए 1 फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था। अब सरकार बन चुकी है जहां नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 1 पूरे साल के लिए बजट पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, सैमसंग भारत में लेकर आया दुनिया का पहला QLED 8K टीवी। 75 इंच मॉडल की कीमत 10,99,900 रुपए। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग ने आज भारत में दुनिया का पहला QLED 8K टीवी लॉन्च कर दिया है। टीवी टेक्नोलॉजी और डिजाइन में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है जो आपके घर को बदल कर रख देगा। सभी लग्जरी घरों के लिए जरूरी सैमसंग QLED 8K टीवी वास्तविक 8K रेजोल्यूशन, 8K AI अपस्केलिंग, क्वांटम प्रोसेसर 8K और क्वांटम HDR के साथ आता है। ये सभी मिलकर एक शानदार 8K अनुभव प्रदान करते हैं। सैमसंग QLED 8K टीवी की नई रेंज में 75 इंच मॉडल की कीमत 10,99,900 रुपए और 82 इंच मॉडल की कीमत 16,99,900 रुपए और इसी के साथ 98 इंच वेरिएंट की कीमत 59,99,900 रुपए बताई गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, विदेशी बाजारों में 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचे सोना और चांदी। विदेशी बाजारों में सोने चांदी के 3 महीने से भी अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 175 रुपए चमक कर 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर 33,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। चांदी भी 250 रुपए उछाल के साथ करीब 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर 37,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की सड़कों पर 3,000 नई बसें उतारने की तैयारी। दिल्ली सरकार अगले 10 से 12 महीनों में दिल्ली की सड़कों पर 3,000 नई बसें लाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वार्ता के दौरान बताया, काफी समय से दिल्ली में बसों की कमी है और इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही दिल्ली में बसों की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, गलत नीतियों की वजह से जेट एयरवेज हुई बंद। निजी क्षेत्र की एयरलाइन जेट एयरवेज का धराशाही होना सभी के लिए एक नींद से जागने का समय है और इसका कुछ न कुछ दोष नीति निर्माताओं का भी है, क्योंकि देश में लागत ढांचा काफी ऊंचा है। स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह ने ये कहा है और सस्ती विमानन कंपनी स्पाइस जेट अपने कारोबार का विस्तार कर रही है और वह 30
विमानों को पट्टे पर लेने की तैयारी में है। इन विमानों का इस्तेमाल जेट एयरवेज करती रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ईद से पहले बुरे हाल में फंसा पाकिस्तान। डबल हुए दूध, प्याज और समेत इन चीजों के दाम। पाकिस्तान में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही है। अब ईद से पहले आम जरूरत की चीजों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। दरअसल पिछले एक महीने में पाकिस्तानी करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर हुई है, जिसकी कीमत पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में महंगाई का दर 8.82% से बढ़कर 9.11% हो गया है। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत 4.26 रुपए, डीजल की कीमत 4.50 रुपए और पाकिस्तान में दूध और प्याज की कीमतें अब डबल हो चुकी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कान फेस्टिवल के बाद फिर से कपड़ों को लेकर ट्रोल हुई प्रियंका चोपड़ा। यूजर ने कर दी बाहुबली से तुलना। कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बाद प्रियंका चोपड़ा अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक इवेंट में पहुंची। प्रियंका आमतौर पर अपने फैशन स्टेटमेंट से हमेशा तारीफें बटोरने में कामयाब रहती है, लेकिन कई बार उन्हें भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। कान फेस्टिवल में प्रियंका के लुक को लेकर खास सराहा नहीं गया। वही एक बार फिर से प्रियंका ने कुछ ऐसा पहन लिया जिसके बाद यूजर्स उन्हें भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है शिरडी से, साईं बाबा के दर्शन करने में नहीं लगेगी भक्तों को गर्मी। अब लगाए गए 160 टन के एसी। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के दौरान अब आपको गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिरडी ट्रस्ट की तरफ से लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए बाबा के मंदिर में एसी लगाए गए हैं। शिरडी के साईं बाबा संस्थान की आगे की योजना है कि पूरे मंदिर को वातानुकूलित कर दिया जाए, जिससे मंदिर का तापमान बाहर के तापमान से 10-15 डिग्री कम रहे और भक्तों को राहत मिल सके। गर्मी के मौसम में शिरडी का तापमान औसतन 40 डिग्री के आसपास रहता है। शिरडी के साईं बाबा संस्थान में मंदिर सहित अब स्थानों को मिलाकर 160 टन के एसी लगाए गए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा का हुआ निधन। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और एक्टर किशोर कुमार की पत्नी रूमा गुहा का निधन हो चुका है। रूमा ने सोमवार सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली और रूमा अपने कोलकाता स्थित घर बालीगंगे प्लेस में रह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाम को कोलकाता में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों के खातों से पीएम किसान योजना के 2000 रुपए नहीं होंगे वापस। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को जारी किया निर्देश। केंद्र की ओर से वित्त मंत्रालय ने देश के सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है कि वो किसानों के कर्ज की भरपाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहे पैसों से ना करे। दरअसल इसके पीएम किसान योजना के तहत हर लघु और सीमांत किसान को प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से सहायता राशि के रूप में सालाना 6000 रुपए की राशि दी जाती है। किसानों को ये राशि 2000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है और इसकी पहली किस्त का भुगतान 3.12 करोड़ रुपए किसानों का हो चुका है, जबकि दूसरी किस्त का पैसा 2.66 करोड़ किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। हालांकि देश के कई हिस्सों से खबरें आ रही थी कि किसानों के खाते में पैसे डालने के बाद वापस लिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं था। किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत आने वाले पैसों से बैंक किसानों के कर्ज की भरपाई कर लेते थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, लोकल ट्रेन के बाद मुंबई में बढ़ सकता है टैक्सी का किराया। सीएनजी गैस महंगा होने के बाद मुंबई में अब टैक्सी का किराया भी बढ़ने जा रहा है। काली पीली टैक्सी यूनियन का कहना है कि सीएनजी महंगा हो गया है और इसलिए किराया भी बढ़ाया जाए। टैक्सी यूनियन की तरफ से महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिवाकर राउत को चिट्ठी लिखकर न्यूनतम किराया 22 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान ने पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट को बताया शानदार टीम, ट्वीट करके दी बधाई। 17वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद 30 मई को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी के साथ उनकी कैबिनेट ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ लेने के अगले दिन बाद पीएम मोदी के मंत्रिमंडल ने अपने अपने मंत्रालय का जिम्मा उठा लिया। अब बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने पीएम मोदी और उनके कैबिनेट के मंत्रियों को भी बधाई दी है। सलमान खान ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री, ये एक शानदार टीम के लिए बधाई और एक मजबूत और समान भारत बनाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार 2 में क्या बदल जाएगी रियल एस्टेट तस्वीर, अच्छे दिन आने का इंतजार। मोदी सरकार 2 बनने के बाद हर सेक्टर आस लगाए बैठा है, समय बदलेगा और ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी। सब सेक्टर की तरह सबसे बड़ी उम्मीद अगर कोई सेक्टर लगाए बैठा है तो वह है रियल एस्टेट सेक्टर। लंबे समय से मंदी का मार झेल रहा यह सेक्टर अब पटरी पर लौटने की बात जो रहा है। सवाल कई है, क्या इस मार्केट में निवेशकों की वापसी होगी? लंबे समय से घरों का इंतजार कर रहे होम बायर्स को इंसाफ मिलेगा या नहीं? अगली बड़ी खबर आ रही है, सोना 2.5 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर, चांदी के दाम फिसले। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम सोमवार
सोमवार को 75 रूपए चमक कर 2.5 सप्ताह के उच्चतम स्तर 33,195 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुके हैं, जबकि चांदी की कीमत 80 रूपए टूट कर 37,500 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी पीना चाहते हैं पीएम मोदी के साथ चाय तो बस ईमानदारी से भरे टैक्स। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी और पूरा टैक्स देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार नई योजना पर काम कर रही है। योजना के अनुसार सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ चाय पीने का मौका मिलेगा। वैसे सरकार ने पहले से ही इंसेंटिव देने की योजना चला रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी के साथ चाय पीने की योजना और कारगर और लोगों को प्रोत्साहित करने वाली होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, मोदी के शपथ समारोह के बाद विवादों में आई शाहिद की पत्नी, बिना चप्पल दिखी एयरपोर्ट पर। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में फिल्म जगत के कई कलाकारों ने शिरकत की थी और इन कलाकारों में एक है शाहिद कपूर। वो अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। अब मीरा राजपूत अपने कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा में आ गई है। दरअसल हाल ही में मीरा मुंबई एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट की गई। मीरा को देखते ही सभी कैमरा पर्सन उनकी तस्वीरें लेने लगे। अब इन्हीं तस्वीरों के कारण मीरा सोशल मीडिया पर ट्रोल की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद ईवीएम से उठा ममता का भरोसा, कहा बैलेट पेपर की हो वापसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि बीजेपी बंगाल के बारे में भ्रामक और गलत खबरें फैला रही है। तृणमूल कांग्रेस इससे निपटने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, हमें ईवीएम नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि चुनाव फिर से बैलेट पेपर से होने चाहिए। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।